पर मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हैं एग्जाम पर कलम से क्रांति। साथियों, आप सभी के लिए एक छोटी सी न्यूज है, ये छोटी नहीं है, न्यूज आपके लिए बहुत बड़ी है, क्योंकि बेसिक शिक्षा विभाग में आप लोग साल 2018 से भर्तियों की आस लगाई है। एलटी ग्रेड में अभी कोई मतलब ही नहीं है भर्तियों का, कोई कहीं से कोई सुनवाई नहीं हो रही, कब आयोग बन रहे हैं, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। इधर जो टीजीटी वाली भर्ती है वो इतने कई साल हो गए उसके फॉर्म भरे हुए, 2 साल के लगभग, उसके एग्जाम डेट का कुछ पता नहीं है। तो अभी क्या है कि जैसे चुनावों का रिजल्ट आया और वो सत्ताधारी पार्टी के पक्ष में नहीं आया, तो अब वो एकदम मतलब कि क्या कारण रहे उसमें, रोजगार का समय पर ना देना, सरकारी नौकरियों में बहुत ही लेट लतीफी उत्तर प्रदेश में, यह एक बड़ा मुख्य कारण था जिसको लेकर मतलब उत्तर प्रदेश का युवा काफी क्रोधित है। इसको लेकर कल परसों 6 तारीख को, 6 जून को मुख्यमंत्री जी ने बैठक बुलाई सभी विभागों की, और आज 8 तारीख है ना, आज शाम 6 बजे भी एक बैठक है, उसमें सारे उच्च सेवा शिक्षा सेवा चयन आयोग सारे के सारे सबको बुलाया है। और अब इनका ये कहना है कि सीएम के निर्देश पर 80,000 पदों के लगभग आस जगी है, जिसमें परिस्थिति है जो प्राथमिक विद्यालय होते हैं वो, इसमें एक एक आप लोग देख लें, सहायक अध्यापक इनको लेकर आशान्वित है, बेसिक शिक्षा विभाग ही सबसे अधिक नौकरी देता है और 5.5 साल से कोई भर्ती नहीं आई है। 2018 में 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती आई थी, उसके बाद से हर साल शिक्षक सेवानिवृत्त तो हो रहे हैं लेकिन नई भर्ती नहीं आई है। उसमें कह रखा है 69,000 शिक्षक भर्ती के मामले में सरकार ने 12 जून 2020 को सुप्रीम कोर्ट को जानकारी दी थी कि उस समय तक परिस्थिति प्राथमिक स्कूलों में शिक्षक के 51,112 पद खाली थे। अभ्यर्थियों का दावा है कि हर साल औसतन 8,000 शिक्षक सेवानिवृत्त हो रहे हैं। इस प्रकार 2021 से 2024 तक 4 साल में लगभग 32,000 पद खाली हो गए। अभ्यर्थियों के दावे पर यकीन करें तो सुप्रीम कोर्ट में सरकार की ओर से दी गई, इसमें काफी चीजें लिखी हुई हैं, दी गई जानकारी और 4 साल में हुई सेवानिवृत्ति को मिलाकर लगभग 80,000 से अधिक रिक्त पद बनते हैं। यह अलग बात है कि पिछले कुछ समय से हाईकोर्ट से लेकर आरटीआई के जवाब में बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारी यह बताने से कतराते रहे हैं कि प्रसिद्ध स्कूलों में शिक्षकों के कितने पद खाली है। अब समानुपात की बात करते हैं, हालांकि समानुपात छात्रों ने भी बहुत हद तक उसको बराबर कर दिया है, तो हम उम्मीद है कि आज आपको कुछ ना कुछ खुशखबरी जरूर मिलेगी। लेकिन तरीका वही होगा कि पहले आपका जो टेट होता है यूपी वाला वो, उसके बाद में फिर आपकी जो सुपर टेट की आती है वो। अब इसी में आगे और भी कह रखा है कि नवगठित आयोग को करना होगा सक्रिय, जिसमें सबसे पहले उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को एक्टिव करना होगा। इसी आयोग से प्रसिद्ध स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति होती है। दूसरी बात, 5 साल से खाली है डीएलएड प्रशिक्षु, ये बेचारे दर दर के ठोकरें खा रहे हैं, लगभग आप 1,35,112। इसके अलावा 2017 के बाद से प्रशिक्षण लेने वाले लाखों बेरोजगारों की नौकरी का इंतजार खत्म नहीं हो रहा। अब कोई भी एक क्वालिफिकेशन हो, अब उत्तर प्रदेश में हर भर्ती का बुरा हाल है। और इसी के क्रम में जो ट्विटर है, जिसका अगर इसमें जो नया नाम है वो एक्स है, जैसे ट्विटर के नाम से जानते हैं, उस पर कई सारी ये यूपी मांगे नई शिक्षक भर्ती, इस प्रकार की कई सारी अलग अलग जो हैशटैग हैं वो साथ ही इसमें चल रहे हैं। आप सभी लोग भी ट्विटर इत्यादि के माध्यम से हैशटैग इत्यादि पर मतलब ट्विटर कैंपेन पर ध्यान दिया कीजिए, उसी के द्वारा मुख्यमंत्री तक बात पहुंच सकती है। कल भी एक ट्विटर कैंपेन है यूपी मांगे रोजगार करके, आप उसमें भी हिस्सा लीजिए, अपनी मांग रखिए, आप जिस भी एग्जाम के पीड़ित है। तो अंत में यही बताना चाहूंगा कि अब शिक्षकों के मन में भी इस साल आपको एक एग्जाम देने का मौका मेरे विचार में जरूर मिलना चाहिए, जरूर मिलेगा। 2025 में भी वैकेंसी आएंगी, 2026 में भी वैकेंसी आएंगी। इस बार के आपके वोटिंग पैटर्न ने आपके लिए रोजगार के रास्ते खोल दिए, ये बात आप सभी लोग ध्यान रखें, ठीक है भैया। बाकी अपनी पढ़ाई करते रहें, हमारा टीचिंग का चैनल है उस पर भी हमें मतलब और भी एक नए सिरे से टीम उतार कर आपको पढ़ाई बेहतरीन तरीके से करने का मौका जरूर मिलेगा। बाकी एग्जाम पर के साथ बने रहे और उम्मीद है कि आज रात तक आपके सामने कुछ ना कुछ, या कल सुबह तक, आज की जो मीटिंग है शाम 6 बजे मुख्यमंत्री जी की,